मौनी रॉय ने किए लाल बाग राजा के दर्शन, माथा पर टीका लगाए बप्पा की भक्ति में डूबी आई नजर। बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत तक सभी जगह गणेश महोत्सव की धूम है। सेलेब्स बड़े ही उत्साह से ये त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाल ही में छोटे पर्दे के कई सेलेब्स अपने घरों में श्री गणपति की स्थापना की थी तो कोई बप्पा के दर्शन करने पंडाल में पहुँच रहे हैं। ऐसे में एक ट्रेस मौनी रॉय भी बीती शाम बप्पा के दर्शन करने लाल बागचा के दरबार में पहुँची, जहां पर उन्होंने बप्पा के आगे माथा टेकर आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर मौनी रॉय की कुछ फोटोज खूब वायरल हो रही है। मौनी रॉय बप्पा के दरबार में अपनी दोस्त के साथ पहुंची है। मौनी रॉय ने श्रद्धा भाव से लाल बाग के राजा के सामने प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर वो पिंक साड़ी में और ब्लैक ब्लाउज में नजर आई। लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंचने के बाद मौनी रॉय ने वहां से निकालने के बाद अपनी एक सेल्फी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। टीवी पर नागिन बनकर छाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एकता कपूर के इस शो ने मौनी रॉय को हिट एक्ट्रेस की सूची में शामिल कर दिया। मौनी अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल अवतार में अपना लुक शेयर किया। इस फोटो में मौनी लाल लहंगा पहने किसी नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने इस हैवी एम्बेलिश्ड लहंगे के साथ शीयर फुल स्लीव वाली रेड एम्बेलिश्ड चोली कैरी की है। वहीं उन्होंने इसके साथ रेड और गोल्ड दुपट्टा कैरी किया और उसे साड़ी की तरह उल्टा पला लेते हुए सिर पर ढका। बता दें कि मौनी रॉय इन दिनों बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रही हैं।